रांची के खेलगांव गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन 15 एवं 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जिसमें गिरिडीह जिला के कुश्ती खिलाड़ियों ने खेलो झारखंड में कुश्ती प्रतियोगिता में जिले से 8 प्रतिभागियों पूनम कुमारी, प्रियंका कुमारी, बास के सविता कुमारी, मुसम्मिल अंसारी, इमामुद्दीन अंसारी, इसराइल फिल अंसारी, मोहम्मद माज अंसारी, राहुल कुमार ने अलग अलग वजन में भाग लिया। वहीं खेलो झारखंड प्रतियोगिता में जिले के डुमरी प्रखंड के पूनम कुमारी ने गोल्ड पदक, कुमारी बास के सविता कुमारी एवं पीरटार प्रखंड के मुसम्मिल अंसारी ने ब्रॉन्ज पदक प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया। खेलो झारखंड में फाइनल में पूनम कुमारी का सम्मान गुमला जिले के खिलाड़ी के साथ हुआ। पूनम कुमारी ने अपनी विपक्षी खिलाड़ी पराजित कर गोल्ड पदक हासिल किया। इस खेलो झारखंड कुश्ती प्रतियोगिता में गिरिडीह जिला कुश्ती संघ सह कोच युगल किशोर महतो की देखरेख में भेजा गया था। वहीं जिला कुश्ती संघ के महासचिव सह कोच युगल किशोर महतो कहा कि जिला में कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नहीं रहने से खिलाड़ियों को सही तरह प्रशिक्षण नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला में प्रशिक्षण केंद्र खुल जाता तो काफी बच्चे प्रशिक्षण का लाभ ले पाते, जबकि इसके पूर्व कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र खोलने के अधिकारियों को आवेदन दे चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ, जिससे महिला एवं पुरुष पहलवानों को प्रशिक्षण लेने में दिक्कत हो रही है। जिला में अगर कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र खुल जाता तो आज एक गोल्ड एवं 3 कांस्य पदक आया है, इससे अधिक मेडल आने की संभावना हो सकती है। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण एवं ब्रॉन्ज पदक लाने पर गिरिडीह जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जिला कुश्ती एसोसिएशन के सदस्य तथा जिला खेल प्रेमियों ने जीत की बधाई दी। क्या कर रही है रे, अच्छा से खेलो।